हम बात करेंगे केले के फायदे के बारे में। केले खाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं उस बारे में मैं आज बात करूंगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि लोग कहते हैं कि एक एप्पल खाने से आप डॉक्टर से दूर रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। दो केले भी आपको डॉक्टर से दूर रख सकते हैं। अब केले खाने से क्या फायदे होते हैं वो बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि केला खाने से कभी भी कोई मोटा नहीं होता। दोस्तों जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि केले खाने से इंसान मोटा हो जाता है, ये सच नहीं है, ये झूठ है, एक मिथ है। केला खाने से कभी भी आपका वजन नहीं बढ़ता। एक मीडियम साइज के केले में आपको 110 कैलोरी मिलती है, जिसमें कि फैट यानी वसा बहुत ही कम होता है। बल्कि केले से आपको तुरंत एनर्जी मिलती है। इसमें फाइबर और तीन तरह के शुगर पाए जाते हैं, सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। एक रिसर्च के अनुसार 90 मिनट के वर्कआउट में दो केले आपको प्रॉपर एनर्जी देते हैं, इसलिए एथलीट्स केले जरूर खाते हैं। केले में भरपूर मात्रा में एनर्जी के साथ साथ विटामिन, प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन और डाइट्री फाइबर्स भी पाए जाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार डिप्रेशन के रोगियों को केले जरूर खाने चाहिए। केले में एक ऐसा प्रोटीन मिलता है जो आपकी नर्व्स को रिलैक्स करता है और साथ ही साथ आपके डिप्रेशन को भी कम करता है। केले में मैग्नीशियम बहुत होता है जो कि आपकी आर्टरीज में बहने वाले खून के बहाव को नॉर्मल रखता है, और साथ ही साथ अगर आप केले खाते हैं उसमें इतना ज़्यादा मैग्नीशियम होता है कि वो आपकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। दोस्तों केले एनीमिया के रोगियों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें आयरन होता है जो कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बनाए रखता है। साथ ही साथ ये कॉन्स्टिपेशन के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, इसलिए ये आपको कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा दिलाता है। तो कॉन्स्टिपेशन और एनीमिया के रोगों के लिए केला बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों अब हम आपको केले के ऐसे गुणों के बारे में बताते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपको काफी हद तक लाभ दे सकते हैं। पेट में जलन होने पर दही में चीनी मिलाकर उसमें पका केला मिलाकर खाने से पेट संबंधी सभी रोग दूर हो जाएंगे और साथ ही साथ जलन तो दूर हो ही जाएगी। अल्सर के रोगियों के लिए तो कच्चा केला रामबाण इलाज है। केला खाकर दूध पीने से इंसान काफी तंदुरुस्त हो जाता है। अगर आपको कहीं चोट लग जाती है और चोट से खून बहना ना रुके तो आप केले के डंठल का रस लगा सकते हैं, इससे खून का बहना तुरंत बंद हो जाता है। केले का शरबत पीने से सूखी खांसी, पुरानी खांसी और अस्थमा से होने वाली खांसी में काफी हद तक आराम मिलता है। एक पके केले में एक चम्मच घी और 4 से 5 बूंद हनी मिलाकर सुबह से शाम 8 दिन तक लगातार खाने से प्रेदर और धातु रोग में काफी हद तक आराम मिलता है। पके केले में घी मिलाकर खाने से पित्त रोग में तुरंत आराम मिलता है। मुंह में छाले हो जाने पर गाय के घी के साथ केला खाने पर तुरंत आराम मिलता है। 2 केले में 1 तोला शहद मिलाकर खाने से सीने के दर्द में काफी हद तक आराम मिलता है। हर रोज के खाने के बाद 1 केला खाने से आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यदि बाल गिरते हैं तो केले के गूदे में नींबू का रस मिलाकर बालों में लगाने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। पके हुए केले में आंवले का रस और शक्कर मिलाकर खाने से बार बार पेशाब आने की समस्या कम हो जाती है। कच्चे केले को दूध में मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा चमकदार हो जाता है व त्वचा निखर जाती है। यदि आपको खाने के बाद भी भूख का एहसास होता है तो आप केले खा सकते हैं। केले खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल सही रहता है और आप रिलैक्स फील करते हैं, और साथ ही साथ एक प्रेग्नेंट लेडी का टेम्परेचर भी सही रहता है। पर हाँ दोस्तों, कोई भी चीज़ मात्रा से अधिक खाने पर आपको तकलीफ हो सकती है। हो सकता है आपको आलस का एहसास हो। केले ज़्यादा मात्रा में आप खाएंगे तो आपको पेट पर भारी होगा, इसलिए हर चीज़ को सही मात्रा में खाएं। तो दोस्तों आप इस गुणकारी फल का सेवन रोज़ाना करें। 2 केले दिन में आप अवश्य खाएं, इससे आपको कई सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है। तो दोस्तों इसके साथ ही केले के गुणों पर बना ये स्पेशल वीडियो यहीं समाप्त होता है, और इसी तरह के घरेलू नुस्खे जानने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फैमिली और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।